हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग राजस्थान के महत्वपूर्ण ऑर्डर्स, जानकारी और शैक्षिक समाचारों की। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा विभाग के ये महत्वपूर्ण ऑर्डर की, 26 मई 2022 का, जिसमें महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय यानी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोले जाने के लिए घोषणाओं के संबंध में नवीन परिपत्र। तो मुख्यमंत्री महोदय द्वारा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम खोले जाने की घोषणाओं की क्रियान्वित के लिए राजकीय विद्यालयों के महात्मा गांधी जो राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरण के मानदंड में जो विभाग का परिपत्र है 24/12/2021 की निरंतरता में ही महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरण किए जाने के लिए निम्न अनुसार शिथिलन भी प्रदान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है शिक्षा विभाग द्वारा। तो शिक्षा विभाग का ये महत्वपूर्ण ऑर्डर है। अब जो महात्मा गांधी विद्यालय है खोलने के लिए जो नवीन जो है कह सकते हैं शिथिलन ऑर्डर दिए गए हैं वो ये है कि 1000 ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय रूपांतरित किए जाने के लिए राजस्व गांव की जनसंख्या 5000 के स्थान पर 4000 व 4000 की जनसंख्या वाले गाँव में भी उपयुक्त विद्यालय उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में 3000 की जनसंख्या वाले गाँव में भी संचालित किए जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट रहेगी कि ग्रामीण क्षेत्र में जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है महात्मा गांधी वो खुलेंगे अब 5000 के स्थान पर 4000, और 4000 की जनसंख्या वाले गांव में भी उपयुक्त विद्यालय अगर उपलब्ध नहीं है तो 3000 की जनसंख्या वाले गांव में भी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलेंगे। नंबर 2 है, यदि पर्याप्त स्थान की उपलब्धता हो तो 2 अलग अलग विंग बनेंगे जिसमें अंग्रेजी माध्यम व हिंदी माध्यम विद्यालय पृथक पृथक रूप से एक ही पारी में संचालित किए जाएंगे, और साथ ही यदि भवन दोनों विद्यालयों को एक ही पारी में संचालित किए जाने हैं तो पर्याप्त न हो, यदि कोई भवन विद्यालय दोनों विद्यालयों को एक पारी में संचालित किए जाने के लिए पर्याप्त न हो तो ऐसे में प्रथम पारी में अंग्रेजी मीडियम चलेगा और द्वितीय पारी में हिंदी माध्यम विद्यालय को संचालित किया जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं अंग्रेजी माध्यम यानी महात्मा गांधी जो है विद्यालय को चलाने को लेकर। तो अब 3000 की जनसंख्या वाले गाँव में भी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा सकते हैं। तो पूर्व में जो नियम था अंग्रेजी माध्यम के लिए 5000 की आबादी वाले गाँव थे शामिल, अब 3000 की आबादी वाले गांव में भी खुलेंगे अंग्रेजी माध्यम स्कूल। इसके साथ ही आपको बता देते हैं ट्रांसफ़र को लेकर अपडेट्स, और वो है गुरुजी के ट्रांसफ़र के लिए अब इंतज़ार लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए अब करना होगा 4 महीने का और इंतज़ार, क्योंकि प्रदेश में शिक्षकों के ट्रांसफ़र के लिए शिक्षा विभाग ने तैयार की है नई पॉलिसी, और दूसरी तरफ विभाग ने ट्रांसफ़र पॉलिसी तैयार करके इसको मुख्य सचिव को भेजी है, और सीएस की कमेटी अपने सुझाव और बदलाव लागू करके नई पॉलिसी को भेजेगी कैबिनेट में। शिक्षा विभाग के साथ ही जब शिक्षकों को भी मुख्य सचिव के फैसले का है इंतजार, कैबिनेट की मंजूरी के बाद नई पॉलिसी को किया जाएगा लागू। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग शिक्षकों के लिए 3 से 4 महीने का समय लग सकता है और इंतजार करना पड़ सकता है। नई ट्रांसफ़र पॉलिसी अप्रूव होने के बाद नए सिरे से शिक्षकों से मांगे जाएंगे आवेदन। उधर शिक्षकों में भी नई पॉलिसी को लेकर विरोध की जो है सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है। तो शिक्षकों का विरोध करना भी वाजिब है, क्योंकि लंबे समय से उनको टाल मटोल किया जा रहा है और सही जो है स्पष्ट नीति नहीं आ रही और न ही स्पष्ट नियम कायदे आ रहे हैं ट्रांसफ़र को लेकर। तो शिक्षकों का विरोध करना भी पूरी तरह से जायज़ है। ऐसे में शिक्षक थर्ड ग्रेड टीचर्स जो लंबे समय से ट्रांसफ़र के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, आगे और भी इंतज़ार करना पड़ सकता है। मुख्य सचिव के बाद कैबिनेट में जाएगी नई ट्रांसफ़र पॉलिसी। तो राजस्थान में टीचर्स के ट्रांसफ़र के लिए शिक्षा विभाग जो पॉलिसी तैयार कर रहा है और लंबे समय से यही कह रहा है पॉलिसी तैयार हो रही है लेकिन अभी तक नहीं हुई, इससे ट्रांसफ़र का इंतज़ार बढ़ रहा है और टीचर्स का इंतज़ार थोड़ा और बढ़ सकता है। ऐसे में नई पॉलिसी लागू होने से पहले ही टीचर्स ने विरोध भी शुरू कर दिया है। इसको लेकर अब टीचर्स और शिक्षा विभाग दोनों ही मुख्य सचिव के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने 6 महीने पहले ट्रांसफ़र पॉलिसी प्रदेश में लागू करने की बात कही थी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने नई ट्रांसफ़र पॉलिसी पर काम भी शुरू किया, जिसे तैयार करके मुख्य सचिव की कमेटी को भेजा गया है। इसके बाद मुख्य सचिव की कमेटी अपने सुझाव और बदलाव लागू कर नई पॉलिसी को कैबिनेट में भेजेगी। 12 से 15 लोगों की कमेटी है, इसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करेगी। इस कमेटी में 2 सीनियर IAS, 3 RAS के साथ ही शिक्षाविद सचिवालय के आला अधिकारी भी है, जहां कैबिनेट की मंजूरी के बाद नई पॉलिसी लागू किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग जो है कहें तो काफ़ी समय लगेगा, और इसके साथ इस प्रक्रिया में पिछले 3 साल से ट्रांसफ़र का इंतजार कर रहे टीचर्स को भी 3 से 4 महीने और इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर से करना होगा आंदोलन। शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने बताया कि शिक्षा विभाग ने टीचर्स के ट्रांसफर के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी बनाई है, इसे शिक्षा विभाग ने अप्रूवल के लिए मुख्य सचिव को भेज दी है। ऐसे में नई पॉलिसी अप्रूवल होने के बाद ही नए सिरे से ट्रांसफर के आवेदन मांगे जाएंगे, और वही नई शिक्षा नीति के तहत जो भी टीचर उसके अंतर्गत आएगा उसको ही ट्रांसफर में राहत दी जाएगी। तो साथ ही शिक्षक जो लंबे समय से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं उनका विरोध करना भी जायज़ है, क्योंकि
बार बार यही कहा जाता है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी आ रही है और ट्रांसफ़र किए जाएंगे, और हर बार 3 से 4 महीने आगे पेंडेंसी कर दी जाती है कि अगले महीने होंगे, 2 महीने होंगे। तो शिक्षकों का विरोध भी जायज़ है क्योंकि उनका ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है, और दूसरी तरफ नई भर्ती वालों को नियुक्ति अभी दे दी गई है, तो ऐसे में खाली जगह उनको कहाँ मिलेगी और कैसे वो अपने नज़दीक गृह ज़िले में जा पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। तो ये तमाम तरह के अपडेट थे आप सभी के लिए, शिक्षकों से जुड़े हुए, कर्मचारियों से जुड़े हुए और ट्रांसफ़र से जुड़े हुए। धन्यवाद।